फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जॉब शंकर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो मैं वीडियो लेकर आया हूं वो है इंडियन आर्मी की तरफ से। तो फ्रेंड्स, इंडियन आर्मी में कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट की तरफ से नई भर्ती निकल के आ रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आप पूरा देखते जाइए, शुरू से लास्ट तक देखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा पूरी अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हो इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, तो फ्रेंड्स ये इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट में आ चुका है, मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ। ये आप देख रहे हो इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे दे दी गई, आप देख रहे हो एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ। ये मैं मोर में जाके मैं क्लियरली दिखा देता हूं आपको। ये देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वन पोस्ट ईच ऑफ एलडीसी एंड एमटीएस। आप देख रहे हो 23 फरवरी 2022 को अपडेट किया गया इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट में। तो फ्रेंड्स, ये भर्ती आ चुका है, सारे डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हमारे पास जो भी मिलेगा फ्रेंड्स, 100% रियली भर्ती की जानकारी मिलेगा, वो भी सबसे पहले। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा जॉब संघ ऑफिशियल वेबसाइट देख रहे हो फ्रेंड्स हमारा। यहाँ पे दीदी आप देख रहे हो कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट एलडीसी एमटीएस रिक्रूटमेंट 2022 पे देख रहे हो, यहाँ पे दीदी गए, इस पे क्लिक कर दिया, नहीं तो नीचे आ जाना, लेटेस्ट जॉब में दीदी गए, आप देख रहे हो कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट एलडीसी एमटीएस रिक्रूटमेंट 2022, इस पे आप क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपके सामने डिटेल्स खुल जाएगा, ये आप देख रहे हो आपके सामने डिटेल्स खुल गया है। 23 फरवरी 2022 को अपडेट किया है हमारे ऑफिशियल वेबसाइट ने फ्रेंड्स। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद के तरफ से भर्ती निकल के आ रहा है, एलडीसी लॉ डिवीजन क्लर्क एंड एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ का भर्ती रहने वाला है। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद एमटीएस एलडीसी रिक्रूटमेंट 2022 इंपोर्टेंट डेट्स देख रहे हो फ्रेंड्स। एप्लीकेशन स्टार्ट 24 फरवरी 2022 से इसका ऑफलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट रहने वाला 28 मार्च 2022। ठीक है फ्रेंड्स, अप्लाई आपको ऑफलाइन फॉर्मिंग करना होगा। एप्लीकेशन फीस इसमें नहीं नील है। एज लिमिट देख रहे हो फॉर एलडीसी के लिए एज रहने वाला 18 से 27 साल और फॉर एमटीएस के लिए एज रहने वाला 18 से 25 साल। ठीक है, एज रिलेक्शन आपको छूट मिलेगा। पे स्केल आप देख रहे हो फॉर एमटीएस के लेवल 1 में आता है ₹18,000 से लेकर ₹56,900 आपको पे मिलेगा और फॉर एलडीसी के लिए देख रहे हो लेवल 2 में आता है ₹19,900 से लेकर ₹30,200 आपको पे मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, वैकेंसी डिटेल टोटल पोस्ट में 2 पोस्ट ही रहने वाला है। पोस्ट वाइज में बता रहा फ्रेंड्स, मल्टीटास्क स्टाफ में देख रहे जनरल में 1 पोस्ट दिया गया, टोटल 1 ही पोस्ट रहने वाला है। लो डिजन क्लर्क में देख रहे हैं 1 ही पोस्ट रहने वाला है जनरल में और टोटल 1 ही पोस्ट रहने वाला है। एलिजिबिलिटी डिटेल्स देख रहे फ्रेंड्स, नेम ऑफ पोस्ट लो डिजन क्लर्क रहने वाला, नंबर ऑफ पोस्ट देख रहे 1 ही पोस्ट रहने वाला है। इसमें 12 पास चाहिए और आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, आप देख रहे स्किल टेस्ट होगा, 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी आपको कंप्यूटर में टेस्ट होगा। ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ देख रहे हो फ्रेंड्स, 1 ही पोस्ट दिया गया, मैट्रिक पास चाहिए सिर्फ। ठीक है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर आप देख रहे हो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा, एज प्रूफ देना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, फिजिकल हैंडीकैप अगर बिलोंग करते हो तो देना पड़ेगा, एक आपको सेल्फ एड्रेस ₹10 का स्टाम्प लगा के आपको देना पड़ेगा, ऑल डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ एड्रेस करके भेजना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस एड्रेस में आप देख रहे हैं एप्लीकेशन शुड बी फॉरवर्ड टू इस एड्रेस में आपको भेजना पड़ेगा, टू द कमांडेंस कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सैनिक पूरी सिकंदराबाद तेलंगाना स्टेट 53094 पे आपको भेज देना पड़ेगा। ठीक है, ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू, तो फ्रेंड्स ऑर्डिनरी पोस्ट ही जाएगा और ऑर्डिनरी पोस्ट से आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट और टॉप में आपको लिख देना। ठीक है, सारा लोकेशन आप टेस्ट देख रहे हैं, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सैनिकपुरी सिकंदराबाद में ही आपको रिटर्न फिजिकल जो है यहाँ पे ही आपको लिया जाएगा। इंपोर्टेंट लिंक्स आप देख रहे हैं, डेटा पब्लिश 23 फरवरी 2022 को अपडेट किया हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। अप्लाई आपको ऑफलाइन फॉर्मिंग करना है, एलडीसी के लिए ये फॉर्म रहने वाला है, इसे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो और एमटीएस के लिए यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो फॉर्म। ठीक है, डाउनलोड नोटिफिकेशन आ चुका है हमारे पास, यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट में आपको बता चुका है, ये ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाला इंडियन आर्मी का। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं ऐसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं ऐसे क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो। अगर आप हमारे सिग्नल ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं ऐसे क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हो। तो फ्रेंड्स, का लास्ट डेट रहने वाला 28 मार्च 2022। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स का ऑफिशियल नोटिफिकेशन की और आपको लेके चलता हूं। ये आप देख रहे हो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रहने वाला है, गवर्नमेंट इंडिया मिनिस्टर डिफेंस से भर्ती निकल के आ रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सारा डिटेल मैं आपको बता ही चुका हूं और उसके बाद भी आप ये पढ़ लीजिए, नोटिफिकेशन रहने वाला है, 4 पेज का नोटिफिकेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, सारा डिटेल आपको यहां पे मेंशन कर दिया गया है, यहां से पढ़ लीजिए। फ्रेंड्स, का ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म की और आपको लेके चलता है। ये आप देख रहे हो इसका एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला एलडीसी के लिए है फ्रेंड्स, एलडीसी के लिए 2 ही पेज का फॉर्म रहने वाला है, आप देख रहे हो। तो फ्रेंड्स, ये एडमिट कार्ड का फिलअप करोगे ना तो ये आपको 2 फिलअप करना पड़ेगा सिर्फ एडमिट कार्ड। ठीक है, और दोनों में आपको एक्स्ट्रा फोटो लगा के आपको भेजना पड़ेगा। मैं आपको एक बार बताता देता हूँ कैसे फिलअप करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक फोटो लगा दीजिएगा, सेल्फ एड्रेस यहाँ पे कर दीजिए, आपका नाम यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, फादर्स नेम या हस्बैंड नाम यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, फिर कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, उसका डेट ऑफ बर्थ अपना लिख दीजिएगा, 4 नंबर है, 5 नंबर एज निकाल देना 28 मार्च 2022 तक का, 6 नंबर नेशनलिटी आपको लिखना पड़ेगा, 7 नंबर है मेल और फीमेल यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 8 नंबर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कि एलडीसी के लिए इसमें 12 पास ही है, बाकी एमटीएस के लिए फिलअप करो इसमें 10 पास ही है। ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो लगा दीजिएगा इसमें। ठीक है, एड्रेस आपको यहाँ पे लिख देना है, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यहाँ पे लिख देना है, एनी अदर इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पे दे सकते हो, एम्प्लॉयमेंट कार्ड नंबर देना जो एक्सचेंज कार्ड का है यहाँ से दे देना है, इफ एनी है तो दे सकते हो नहीं तो छोड़ सकते हो, 4-2 नंबर आपको मोबाइल नंबर देना है, 15 नंबर आपको ईमेल आईडी देना है। ठीक है, उसका ये पढ़ लीजिएगा, फिर आपको प्लेस
लिखना है, डेट लिख देना और इनक्लोज कौन से डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। सिग्नेचर यहाँ पे ऊपर में सिग्नेचर कर दीजिए। ये एडमिट कार्ड आप फिलअप करना होगा, आप देख रहे हो ये एडमिट कार्ड, इसमें दो सीट आपको फिलअप करना पड़ा, सेम ही रहेगा। सबसे पहले एक फोटो लगा दीजिएगा, सेल्फ एड्रेस आपका नाम लिख दीजिएगा यहाँ पे, आपका नाम और फुल एड्रेस यहाँ पे मेंशन करें, यहाँ पे साइन मार के बाकी आप खाली ब्लैंक छोड़ के भेज सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही एमटीएस के लिए भी फिलअप होगा, एमटीएस का फॉर्म यहाँ पे दे दिएगा, आप देख रहे हो दो ही पेज का सेम ही इसका भी फॉर्म रहने वाला, ठीक है। तो फ्रेंड्स इतना ही आपको जानकारी देना था, भर्ती आ चुका है इसका, इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट में आ चुका है, आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे दे दिएगा, यहाँ से डाउनलोड करके भी कर सकते हो, यहाँ से एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है और हमारे जॉबसन ऑफिशियल वेबसाइट से भी यहाँ से कर सकते हो डाउनलोड, ठीक है। तो और हमारा military-bharti.com में भी दे दिएगा, यहाँ से भी जाके डाउनलोड आप कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट करिए, ऐसे नहीं भर्ती आपके लिए सबसे पहले लेके आते रहूंगा। तो ओके फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग कुछ भी पूछना था कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो ओके फ्रेंड्स बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।